मॉर्निंग हम बना रहे हैं चाय और ये है कद्दू। ये पता नहीं मम्मी ने कोई सब्जी बनाई है और ये है दूध जो हम गर्म करें। क्या बनाए? लिंगड़ू। लिंगड़ू मुझे पता नहीं गाइस, मुझे माफ़ करना अगर मैं गलत बोल रही हूँ, पर मम्मी ने बोला है कि इसका नाम लिंगड़ू है और प्रीति ने अपने ब्लॉग में दिखाया है। लोग बोलेंगे बार बार एक ही, ये इस प्रकार के हैं, बट ये अभी ऐसे लग तो ये बीन्स की तरह रहे हैं, बट ये ऐसे ना गोल गोल थे ऐसे, मतलब रैप गोल गोल जैसे था कुछ इसका। प्रीति तो वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दे, उसके बाद फिर हम काम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ना मैंने जैसे कल ब्लॉग डाला था तो लोग उसमें कमेंट कर रहे हैं कि तू साफ़ सफाई तो रखती है बट तू ना कि तू खुद ना आती नहीं। तो मैं आपको बताऊं कि मैं उस ब्लॉग में वो चीज़ शेयर नहीं कर पाई। मैंने उससे पहले करा था कि मेरे बैक में पीछे जो जख्म हुआ था तो मैंने उस पर नारियल का तेल लगाया, और जब मैंने दिखाया तो मुझे बोला था कि एक दिन मत ना आना, पानी पूरी ना लगे उसमें, तो पस पड़ जाएगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना स्वेल कर गया था। तो इस वजह से फिर मैं नहीं नहाई। और यार अगर आप एक दिन नहीं नहाए और अगर आप ब्लॉग में सच बोल रहे हो ना, मैं कहने को कह सकती थी, मैं उस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती, बट मैंने उस चीज़ को शेयर करा। और ऐसा हर किसी की ज़िंदगी में होता है, आई नो बहुत गर्मी है सब चीज़ें हैं, कभी कभी ऐसी चीज़ हो जाती है यार। और उस पर ऐसे ऐसे लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मैं सोचूं यार, मतलब कोई सोचता भी नहीं है कि यार ऐसे ऐसे हो सकता है। दूसरी बात कि कह रहे हैं कि मैंने हाथ नहीं धोए और मैंने ऐसे, अब मैं कैमरा में ब्लॉग बना रही हूँ, मैं अपनी तरफ से मतलब मैं हर चीज़ थोड़ी मतलब हर चीज़ थोड़ी दिखाती हूँ। और मैं यार इतना तो कोई भी पागल नहीं होता कि पोचे वाले हाथ से ही राजमा को डाल दे, ऐसे ऐसा नहीं होता यार। वो क्लिप मैंने मतलब वो क्लिप शूट ही नहीं कर रही, इसमें मैंने हाथ धोए उसके बाद मैंने राजमा, मैं बार 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 अपने हाथ धोती हूँ बार बार। और मुझे लगता नहीं वैसे मुझे ये चीज़ को व्लॉग में शेयर करना चाहिए, बट मुझे लगा कि चलो फिर भी बता देते हैं जो मेरे चाहने वाले हैं। वो तो ऐसा कमेंट्स नहीं करने वाले, बट जो कुछ ऐसे लोग होते हैं मे भी हो सकता है उनको लगा होगा, बट क्या कर सकते हैं। लोग ना इस व्लॉग को ध्यान से देखना। एक्चुअली क्या होता है कि तवा जैसे मैंने रखा हुआ है, ये तवे की डंडी भी दिखाई दे रही है। ये कभी कभी ऐसे होता है ना, आपको चीज़ें मतलब आपको आई डोंट नो, लोग छोटी छोटी चीज़ों में इतना नुक्स निकालने लग पड़े। वीडियो को ना ध्यान से देख के मुझे बताना कि मैंने कहाँ पे क्या गलत किया। मैं गाइस इतना बार बार हाथ धोती हूँ। मेरे पति का फ़ोन आ गया, सो मैं उनसे बात करूँ पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ पूरी बात। ये मैं भारत का मतलब ऐसे सेव के पिया एनीवेज। चलो आप लोग ब्लॉग देख लेना, उसमें मुझे बता देना कि मेरी क्या गलती है फिर से जो मैंने अभी बताया उसके बाद से, क्योंकि पहले इतने शायद गौर से आपने नहीं देखा होगा। सो यार लोग बोल रहे हैं कि मैंने ना हाथ नहीं धोए राजमा ऐसे डाल दिए। एक और चीज़ उस ब्लॉग में देख के बताना, लोग बोल रहे हैं प्रीति कुछ काम नहीं करती क्या, वो लेटी रहती। अब जब मैं ब्लॉग बना रही तो वो लेटी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो काम नहीं करती है, वो काम करती है। वो अपना ब्लॉग नहीं बना रही इसलिए एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव वो कर रही थी, एडिट कर रही थी। कब वो ब्लॉग? हाँ क्या बोला लाइट आ गई वो ब्लॉग। हाँ ब्लॉग देखना चेक करके, उस ब्लॉग में ना तू ऐसे पीछे लेटी हुई है और मैं काम कर रही हूँ। नहीं मैं काम कर रही हूँ किचन में। गाइस वैसे जानबूझ के नहीं दिखाती हूँ, अगर मैं जानबूझ के दिखाती होती तो फिर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना। और अगर उसमें वो चीजें ऐसे रख रहा है तो बंदा दिखाना चाहता है आपको, डाउन फील कराना चाहता है। अच्छा तो मैं अपना ब्लॉग वो सारा कट कर दूँ? और कल प्रीति मुझे कह रही तू चली है यहाँ से। क्या हुआ ना गाइस, मैं आपको बताऊँ क्या हुआ। कल क्या हुआ ना, मैं ना मतलब बात कर रही थी किसी से, किससे बात करूँ उसका नाम ले सकती हूँ, तो वो बोल रही थी कि हाँ मेरे को भी ना ऐसे मायके में आती हूँ ऐसे मुझे कुछ ऐसे मतलब ये करना पड़ता है, सुख नहीं होता ना। तो मैं बोलूँ यार मुझे भी कोई सुख नहीं होता है यार। मैंने ऐसे बोला क्या होता ना, मैं जितनी भी सफाई करके जाती हूँ कपड़े कपड़े सब सेट करके जाती हूँ, सब चीज़ें वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करके जाती हूँ। जब मैं अगली बार आती हूँ या मैं यहीं पर रह के दो तीन दिन के बाद देखती हूँ जिसका जैसे सामान पड़ा है वो वैसे पड़ा रहता है, तो मुझे फिर उस बात से बहुत गुस्सा आता है। तो फिर इसलिए मैं प्रीति के ऊपर गुस्सा निकालती हूँ कि तू ऐसे कर वैसे कर।
तो अगर इस गुस्सा आएगा नहीं, अगर आपने सपोज ये काउंटर टॉप साफ किया है फ्रिज का, तो इन्होंने ना दवाइयाँ होती हैं या कुछ भी इनका सामान है सब इस पे रख देना है, तो मैंने उठा के कहीं रखना है तो इनको वो मिलना नहीं, इन्होंने मुझे गालियाँ निकालनी है, मैंने इनको वो बोलना है कि सफाई नहीं रखते, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, तो गालियाँ मीन्स गालियाँ नहीं निकालते, गालियाँ मीन्स होता है हमारी उसमें है खिजत, डांटते थे अब तो कोई सामान नहीं मिलेगा, हो गया घर का सफाया पूरा, मम्मी कहती है, तो मुझे तो गुस्सा चढ़ता है कि मैं सफाई कर रही हूँ ऊपर से मुझे, फिर कई कई बार मुझे ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो जैसे है वैसे ही रहने दो, फिर थोड़ा ऐसा लग जाता है, अदरवाइज थोड़ा गुस्सा आ जाता है कि बंदा कर रहा है। तो मेरे को पता क्या होता है, जब मैं कानपुर से, ऐसा नहीं है कि कानपुर में भी यार मैं काम करती हूँ, घर पर तो मायके में जैसे आओ तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा बहुत तो चलता है कि जैसे प्रीति काम कर रही है मैं भी उसकी मदद करूँ, बट इतना कि सारा कुछ एक ही बंदे के ऊपर आ जाता है, मैं बोलती तुझे कौन बोलता है, तू क्यों करती है ना, हम थोड़ी देर को बोलते हैं कि तू ये कर वो कर, तेरे को रोज़ झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, ये भी करना, मम्मी कह रहे हम अपनी मर्जी से करते हैं जो काम जैसे करना होता है, सफाई तो वो रखते हैं, बट यार जैसे कि इसी घर में मेरा सारा सामान आ गया है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा हौचपौच हो गई, गलती मेरी भी है, चंडीगढ़ वाला घर मतलब हमको उस टाइम पे रेंट पे देना था, तो हमने सोचा कि चलो सामान यहाँ पे रख देते हैं, और ये घर ऐसे पूरा भर गया है जैसे कि स्टोर रूम नहीं होता है, तो उनको मतलब ऐसे सांस लेने के लिए भी जगह नहीं होती, इतनी बुरी हालत कर दी है, और मुझे ना मेरी गैस नहीं मिल रही कि कहाँ पे है कहाँ नहीं है। प्रीति उस दिन तूने सफाई की थी कि बेडरूम की, तो कहाँ रखी गैस? मैंने भी गैस देखी नहीं यार। तो यार मेरी गैस देख दो, इतनी महंगी गैस है मेरी। गैस ये क्या बन रहा है, हम नहीं बताएंगे आपको क्या बन रहा है, जो भी बन रहा है बट बन रहा है आज हमारे घर में, रिपीट हो गई ये चीज़ बहुत बार, ये बन रही है कड़ी, और नहीं एक्चुअली मेरी कड़ी इतनी फेमस हो गई ना कि मेरे को बोलते हैं लो आज 10-5 लोगों ने बोला है हमको बना के भेजना, तो मैं भेज रही हूँ। अभी मैं आई हूँ नहा के, मतलब अभी नहीं 1.25 घंटा हो गया, उसके बाद मैं गई थी मंदिर माथा टेकने के लिए, और अभी मैं वापस आई हूँ आके, मैंने ना बालों में ना यार मेरे पता नहीं ऐसा लग रहा था कि अजीब सा ना कुछ सुर हो रही थी, मैंने कॉम्ब की थोड़ी सी, मैं अंदर आ गई हूँ और मैंने देखा कि प्रीति और सिद्धार्थ नहीं कर रहे, सिद्धार्थ सो रहा नहीं, मस्ती कर रहा था, फिर प्रीति ने उसको सुनाया, मतलब अभी जैसे वो बड़ा हो रहा है डे बाई डे उसकी एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और मैं अपनी कज़न के साथ गई थी, अभी मैं बनाने जा रही हूँ चाय, क्योंकि मेरा बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, और कड़ी जिन्होंने लेनी थी वो ले गए, यार मेरे हाथ की कड़ी बड़ी फेमस हो गई है, उनको बहुत अच्छी लगती है सबको कड़ी, पहले मुझे ऐसा लगता था ना यार मुझे कुछ बनाने ही नहीं आता मुझे करना है, और राजमा मेरे हाथ के बहुत अच्छे लगे सबको, एंड प्लीज़ यार ऐसे ऐसे कमेंट्स ना किया करो कि ऐसे बनाया वैसे बनाया, अपनी तरफ से हर कोई मतलब अच्छा ही करता है ना, मतलब दूसरे को पॉइंट आउट करना बहुत आसान हो जाता है क्योंकि आप व्लॉग देखते हो ना, अपनी रियल लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों से तरीकों से कुछ ना कुछ काम करते हैं, घर का ऐसे बर्तन साफ करने हैं कुछ हर मेरे ना काम में, मतलब बहुत सारे लोग नुक्स निकालते रहते हैं, तो आई डोंट नो कि मुझे वैसे तो मैंने अभी सोचा कि मैं ज़्यादा रिएक्ट ना किया करूँ, पर मुझे फिर कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे मेरी ऑडियंस को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि आपको जो लोग प्यार करते हैं ना, क्योंकि बार जैसे कुछ कमेंट्स नीचे होते हैं ना, तो बंदा अगर वीडियो खोलता है एंड फिर जब वो कमेंट देखता है तो फिर उनकी मैंटेलिटी, इसलिए मैंने थोड़ा सा इस ब्लॉग में कोशिश की कि मैं समझाऊँ। अभी हम बनाते हैं बड़ी इलायची वाली चाय, आई नो कि बाहर बहुत गर्मी है, बट जितनी भी गर्मी हो चाय तो मेरे लिए ऐसा है कि सारी दिन की और सारी ज़िंदगी की ऐसा रहता है कि टेंशन चाय पी के दूर हो जाएगी, मतलब चाय बनाते सारी मेरी अंदर के जो दिमाग में मेरे क्या खुशी वाले हॉर्मोन्स होते हैं ना वो जाग उठते हैं। और ना आज मैंने हाल ही में पिछले कल भी नहाई थी, उस दिन एक दिन ऐसे आज मैं नहाई हूँ ना, उस दिन मैं बीच वाले दिन ही नहाई थी, उसके अगले दिन आई थी, कि अब मैं हर चीज़ कैमरा में थोड़ी बताऊँगी कि मतलब आपके कोई जख्म हो जाए कुछ आपको लग जाए है ना, तो आप उस दिन नहाना स्किप करते हो ना, चाहे कितनी भी गर्मी हो, आप मैंने कोकोनट ऑयल लगा के बहुत मुश्किल से उस चीज़ को ठीक किया है ना, इसके भी मेरा ये चीज़ मेरी जल गई है ना, अब इंसान की कभी कभी कोई मजबूरी हो जाती है ना। खाना मैं बाद में खाऊंगी, पहले चाय पीती हूँ, आधे 1.5 घंटे तक खाऊंगी खाना। मैंने ना ये सब पूरा सेट किया, चादर उठाई इसको धुलने के लिए डाला, और ये कपड़े ऐसे अलग किए, सिद्धार्थ के कपड़े अलग, प्रीति के कपड़े अलग, ये नहीं है कि प्रीति काम नहीं करती, प्रीति अपना काम करती है अलग से, मैं वो करती हूँ, या फिर मैं सिद्धार्थ को इस्तेमाल लेती हूँ वो उस दिन काम कर लेती है, तो इस तरह से हमारा जो काम है वो हो जाता है, बट एक बंदे को सिद्धार्थ के पीछे रहना पड़ता है, उसको पूरी सुपरविज़न में रखना पड़ता है क्योंकि वो बड़ा हो गया है।
ना प्रीति को प्रेस करके उसको डालना था तो मैंने निकाल के रखा, आज ये डालेगी। इसके साथ का दुपट्टा एंड प्लाजो वगैरह मिल नहीं रहा तो मैंने उसको बोला ये ब्लैक वाला है ना, ब्लैक के साथ इसको पहन लेना, क्योंकि फिर सूट मतलब कभी कभी ऐसे मन होता ना कि आप सूट पहनो, मुझे बहुत प्यारा लगा इसका, इसके सूट का कलर प्रीति के। मैंने लगाई हुई है वॉशिंग मशीन, ये भी मैंने आज धुला अपनी चप्पल। 14 मिनट लेफ्ट और बहुत दिनों के बाद मैंने ये वाला टॉप निकाल के पहना। ये टॉप मेरा इधर ही पड़ा हुआ था और मैंने इसे आज कपड़े वपड़े निकाले उसमें से निकला तो मैं फिर अच्छे से नहा के तैयार हो गई। हाँ वैसे एक बात है, फटाफट सुबह सुबह नहा लो, काम खत्म कर लो तो चीज़ें सब पूरा दिन ऐसे रूटीन में अच्छा चलता है, दिन में कोई आ गया है ना सब चीज़ें फिर सही चलती है। और माथा भी टेक लिया भगवान जी को, भगवान जी की पूजा भी कर ली, क्योंकि जब मैं फिर शाम को नहाती हूँ तो मैं शाम के टाइम भी पूजा करती हूँ, फिर सुबह सुबह तो टाइम निकल जाता है। वैसे तो भगवान जी को हमेशा याद करते रहते हैं अपने मन में, माता रानी बाबा जी सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेके आए, सबको सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखे। बट सुबह सुबह नहा के ऐसे मंदिर भी गई ना तो आज अंदर से ना इतना अच्छा फील हो रहा है। ब्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ, और एंड करने से पहले थोड़ी सी बात कहना चाहती हूँ कि मैं भी एक ह्यूमन बींग हूँ, मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ में मैं परफेक्ट हूँ है ना। कहीं ना कहीं काम में या कुकिंग में, क्लीनिंग में या एडिटिंग में कभी कभी गलती हो सकती है, तो उस बात के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए ब्लॉग में, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, प्यार करते रहो और चाय पीते रहो, वजन कम करते रहो, और मेरी तरह उल्टा पुल्टा अगर खाते हो तो इसके बाद वॉक भी करते रहो, और अपनी बॉडी को पूरा पूरा रेस्ट दो, गर्मियाँ बहुत हैं, और काम भी करते रहो, उसके बाद पानी भी पीते रहो बराबर एकदम। चाय पी के मुझे मज़ा आ गया। प्रीति अपना दूसरा रूम में जो है काम कर रही है, बच्चे के कपड़े वगैरह होते हैं उसको सेट करना, वॉश करना, कुछ कपड़े अलग से धोना, जैसे कभी कभी हम सिद्धार्थों को डायपर फ्री रखते हैं तो उसके जो कुछ कपड़े होते हैं तो प्रीति उसको अलग से वॉश कर देती है ना, कुछ का कलर निकलता होता है तो सारा दिन ऐसे निकल जाता है यार, पता नहीं चलता टाइम कहाँ गया। इवन हमें कुकिंग का इतना काम नहीं होता, मम्मी सुबह कुकिंग वगैरह करके जाते हैं, पर स्टिल उसके बाद बताया ना मैंने ऐसे मेरे घर का सामान यहाँ पे आ गया। और हाँ मैं बोल रही थी कि मेरा जो गैस चूल्हा है वो मिल नहीं रहा था तो अभी वो मिल गया है, वो उधर रखा है। तो एक चीज़ है जो कि मैं अभी इस ब्लॉग में नहीं बताऊंगी, आने वाले लाइक विद इन कुछ दिनों में बताऊंगी, गैस चूल्हा से रिलेटेड कोई चीज़ है। एनीवेज खुश हो, मुस्कुराते रहो।